नमस्कार, मैं हूं साजिद और D20 के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले सीजन हमने स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन 3D प्रिंट करके बनाया था, जो घरों में बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इस बार हम ये सुंदर प्रोजेक्शन लैंप्स पेपर से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके A4 पेपर में प्रिंट करवा लीजिए। इसके बाद इसे मोटे पेपर में चिपका लें, जहाँ जहाँ डिजाइन बनी है उसे सीजर या कटर की मदद से कट कर लें। अब हमें इससे सिलेंडर बनाना है, जिसके लिए हम ये छोटी वाली साइड को इस तरीके से जोड़ लेंगे। वैसे तो आप इसमें फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करके प्रोजेक्शन देख सकते हो, लेकिन हमें इसे एक लैम्प के जैसा बनाना है। तो ये करने के लिए कट किए हुए सर्कल्स को ले लें और इस सर्कल पर हमें 3 वॉट की LED और इसे जलाने के लिए 3 वोल्ट के कॉइन सेल की ज़रूरत होगी। इन्हें हम इस सर्कल पर वायर की मदद से जोड़ लेंगे, इसे सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से चिपका लेंगे और बस हमारा ये लैम्प तैयार है। आप चाहे तो इसे जमीन पर रखकर निहार सकते हो या तो फिर धागे की मदद से इसे टांग सकते हो। इस प्रोजेक्शन में सिलेंडर के अंदर से आ रहे लाइट से जमीन पर ये डिजाइन बनाना है। ये तभी हो सकता है जब हम सिलेंडर में सही जगह पर छेद करें। अब क्योंकि लाइट सीधी रेखाओं में चलती है, अगर हम लाइट से डिजाइन तक एक रेखा बनाए तो वो सिलेंडर को एक पॉइंट पर कट करेगा। ऐसे डिज़ाइन के सारे पॉइंट्स के साथ करें तो हमें सिलेंडर पर एक पैटर्न मिल जाएगा। अगर इस डिज़ाइन को कट कर लेते हैं तो हमारा लैम्प तैयार हो जाता है। तो सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, बल्कि कोन, पैराबोला एंड हाइपरबोला और ऐसी कई सर्फेसिस पर आप ये प्रोजेक्शंस के पैटर्न को ढूंढ सकते हैं। और तो और, आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे वर्ल्ड मैप्स में भी कुछ इसी तरह प्रोजेक्शंस होते हैं। तो आशा करते हैं ऐसे प्रोजेक्शन लैंप की मदद से आप अपने दिवाली की खुशियों को आसमान के साथ साथ जमीन पर भी ले आएंगे। हैप्पी दिवाली।